नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, एक 434 पदों पर हाईकोर्ट राजस्थान ने एक भर्ती का आयोजन किया था, जिसमें परीक्षा परिणामों को लेकर काफी विद्यार्थी असमंजस में थे और न्याय की उम्मीद लेके वो न्यायालय में गए थे। तो दोस्तों, इस भर्ती का मामला अभी तक चल रहा है। जो विद्यार्थी इस भर्ती को लेके एक उम्मीद जगा के बैठे हैं, तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। और देखें तो एक तरफ से दोस्तों यह जो है सपनों पर पानी फेरने वाली आज की ये न्यूज हो भी सकती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, इसमें लेटेस्ट अपडेट जो आज की अपडेट है वो हम आपको बताने वाले हैं कि हाईकोर्ट जो है किस दौर तक इस यहाँ पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, संशोधित परिणाम के बाद बढ़ रहा विरोध। जी हाँ दोस्तों, काफी विद्यार्थी जो कोर्ट में चले गए थे उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने दोबारा एक संशोधित परिणाम जारी किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3 अप्रैल 2021 को हुई थी, जिसमें 434 पदों पर इस भर्ती में संशोधित परिणाम जारी होने के बाद लगातार विरोध बढ़ रहा है। हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी होने का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। संशोधित परिणाम में मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने अब शनिवार को कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरने की चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, पहले हाईकोर्ट ने जो एक लिस्ट निकाली थी परिणाम की, तो काफी विद्यार्थी जो उसमें सफल हो गए थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने संशोधित एक दोबारा लिस्ट निकाली, उसके अंदर क्या है कि काफी विद्यार्थी निराश हो गए। और दोस्तों वो निराश इसलिए हुए थे कि जिनका पहले सिलेक्शन हो गया था और संशोधित परिणाम में वो सिलेक्शन से बाहर हो गए, यानी एक तरफ जो पहले जिनके पास रोजगार था, जो सरकारी नौकरी लगे हुए थे, एक ही रात में परिणाम के बाद वो जो है सब के सब बेरोजगार हो गए। जी हाँ दोस्तों, जो बेरोजगार थे वो सरकारी नौकरी लग गई और सरकारी नौकरी वाले यहाँ पे बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों जो पहली लिस्ट में जिनका परिणाम आया था, जिनका पहली लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था, अभी धरने के ऊपर वो बैठे हैं कि ये जो संशोधित परिणाम है हमें बाहर क्यों किया गया। जी हाँ दोस्तों, और काफी विद्यार्थी वो भी बैठे हैं कि मामला अभी तक लंबित चल रहा है, हाईकोर्ट का मामला जो अभी क्लियर नहीं हुआ, फिर भी नियुक्ति पत्र जारी करने की ओर सरकार अग्रसर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कि मामला अभी तक लंबित है और नियुक्ति पत्र जारी क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो टीमें अब कोर्ट के अंदर जो धरने पे बैठी है, एक वो जो पहले बेरोजगार थी और नियुक्ति पत्र जारी क्यों कर रहे हैं, और दूसरी वो जिनका पहले परिणाम में सिलेक्शन हो रखा था और दूसरी लिस्ट में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों आप अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं तो अपनी उम्मीदों को अभी जो है आप खोना बंद कर देवें। काफी जल्दी ही इसका जो परिणाम एक दोबारा हो सकता है कि दोबारा एक संशोधित परिणाम आ सकता है कि किनका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, किनका नहीं, या भर्ती जो है रद्द भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, बाकी ये जो लोग भीड़ लगा के जो बैठे हैं कोर्ट के आगे, उससे उम्मीद है कि शायद भर्ती कैंसिल करके सरकार जो दोबारा निर्णय भी ले सकती है, क्योंकि ऊपर जो चुनाव भी हैं। दोस्तों अब चुनाव का ये दौर है, तो इस वजह से कुछ उम्मीद बन भी सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लेवें, और हमारे साथ जुड़े रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।